तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो इतना लेट क्यों हो रहा है, तो कुछ यूट्यूब का प्रॉब्लम था जिसके कारण मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। ठीक है, पर प्रॉब्लम अभी हो चुका है सॉल्व। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मैं आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो डाउट सेक्शन ऑन हो गया है। अब जिसको जिसको डाउट जो हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो डाउट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये डाउट नहीं है, हर बच्चों का एक प्रॉब्लम है। जो मीन्स किसी भी एंट्रेंस या कोई भी क्लास में वो हर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम टेबल बनाते तो है पर उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, या फिर वो ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि उस टाइम टेबल को वो फॉलो ही नहीं कर पाते। तो काफी बच्चों ने बोला कि आप हमें टाइम टेबल बना के बता दीजिए, देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो मैं आपके माइंड सेट के हिसाब से ही आज टाइम टेबल बनाने वाला हूँ, और ऐसा टाइम टेबल बनाने वाला हूँ जो आप सभी फॉलो करेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिन में कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब इस 4 घंटे को चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि अभी तो स्कूल और कॉलेज में छुट्टी है, तो आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम रात को 2 घंटा, जो कि मैं टाइम बताता हूँ 6 से 8 या तो 7 से 9, ये 2 घंटा रात को पढ़ना है आपको, और 2 घंटा सुबह 6 से 8 7 से 9, मैं 2 टाइम बता रहा हूँ जान के। ठीक है, अब ये 2 टाइम है, हर बच्चों का ये चीज होता होगा, मुझे पता है कि किसी बच्चे को रात को याद होता है तो किसी बच्चे को दिन में ज्यादा याद होता है। मीन्स जब आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहे तब आपको मैथ्स साइंस ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और जब आपका माइंड थोड़ा डाउन रहे, मीन्स उस समय आपको पढ़ने का जब मन नहीं करता है, तो उस समय आपको पढ़ना है बाकी के सब्जेक्ट्स। ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट्स को हमेशा आपको रात को पढ़ना है, और जिसमें आपको मीन्स एनर्जी आता है, जिस सब्जेक्ट को देख के एनर्जी लगता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आपको सुबह पढ़ना है। ठीक है, तो और बाकी का जो मीन्स डेली रूटीन होता है वो आप खुद मैनेज कर लीजिएगा कि कब उठना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यही 2-2 4 घंटा पढ़ना है। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, मीन्स एंट्रेंस को बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकालना चाहते हैं, या आपको आदत है ज्यादा पढ़ने का, मीन्स आप 6-7 घंटा आराम से अगर बैठ सकते हैं, तब आपको क्या करना है, रात में 4 घंटा कर देना है और सुबह 2 घंटा एक्स्ट्रा कर देना है। ठीक है, दोपहर के टाइम में बच्चों कम पढ़ा कीजिए। ठीक है, दोपहर के टाइम में अगर आप बैठते भी है पढ़ने के लिए तो बुक्स बस रीड कीजिए। दोपहर के समय जो है, जो दिमाग में जो है ना, वो अच्छे से नहीं जाता है। ठीक है ना, तो दोपहर के समय ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, तो ये 4 घंटा और ये टिप्स के हिसाब से अगर आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा, अपना माइंड सेट कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप टाइम टेबल को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अब अपना डाउट क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डाउट सेक्शन ऑन कर दिया हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू।